हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद आशुतोष में। जैसा कि आप सभी को पता है, 12 जून की फर्स्ट शिफ्ट आज ओवर हो चुकी है एनटीपीसी सीबीटी 2 की। उसके बेसिस पे हम लोग एनालिसिस लेकर आए हैं। जो स्टूडेंट्स द्वारा क्वेश्चन दिए गए हैं 100% रियल क्वेश्चन हैं। यही सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं और लगभग सारे क्वेश्चन यहाँ पर रखे गए हैं जो आपके आगे आने वाले एग्जाम्स में आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हु इज फर्स्ट फीमेल चेयरमैन ऑफ सेल? सेल की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सोमा मंडल है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 का किसने जीता है? ये क्वेश्चन पूछा गया था आज के शिफ्ट में। शकुंतला हरक सिंह है। ये मैंने प्रैक्टिस पेपर भी बनाया था, उसमें भी ये क्वेश्चन रखा था। अगर ये सवाल पूछा गया था तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सरदार सावरकर बांध कहाँ स्थित है? नर्मदा नदी में स्थित है, नर्मदा नदी के तट पर स्थित है और गुजरात में है जो कि। 2021 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? भारत ने 6 पदक जीते हैं। और आपको बता दूं कि आप लोग सारे डैम्स करके जाइएगा, रिवर से इस बार क्वेश्चन नहीं बने हैं लेकिन डैम्स बने हैं, डैम्स करके जाइएगा, पूरा वीडियो आपको मिल जाएगी। और डांस फॉर्म आर्टिस्ट से देखिए, क्वेश्चन हर बार हर शिफ्ट में बन रहे हैं तो डांस फॉर्म बहुत ज्यादा जरूरी है। सतारिया नृत्य शैली के संस्थापक कौन है? महापुरुष स्मरणता शंकर देव हैं। इसका भी फेमस आर्टिस्ट का वीडियो भी करा चुका हूँ, उसमें मैंने बताया था आपको, देख लीजिएगा एक बार, शायद आपको आगे वीडियो में हेल्प करे, आपके आगे आने वाले एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। भारत में कितने नवरत्न कंपनियां हैं? तो 14 नवरत्न कंपनियां हैं। ONGC का फुल फॉर्म पूछा गया था, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। एक सवाल आपका फुल फॉर्म से जरूर आ रहा है तो फुल फॉर्म का वीडियो भी देख लीजिएगा आप लोग, मैंने करा दिया, सारे फुल फॉर्म उसमें आपको मिल जाएंगे। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में जो है उसका निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभ ने करवाया था। भोर और सूर्योदय के बीच की अवधि को क्या नाम दिया गया है? उसको ट्वेलाइट कहते हैं। निम्नलिखित में से किसका घर्षण बल सबसे कम होता है? तो रोलिंग फ्रिक्शन होता है, उसका घर्षण बल सबसे कम होता है। एग्जाम में आपको ऑप्शन चार दिए रहे होंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन और भी फ्रिक्शन दिए गए होंगे, उनमें रोलिंग फ्रिक्शन आपको सही करना है। देखिए एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए हम लोग रामबाण लेकर आए हैं। लास्ट टाइम रिवीजन बूस्टर रहता है, जिनका भी लेवल 2, 3, 5 का एग्जाम बचा हुआ है उनके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। करंट स्टैटिक जीके सब कुछ आपको मिल जाएगा। लेवल 4 और 6 के ऑफिशियल जीके भी हम लोग ने ऐड किया है। कंटेंट बायलिंगुअल रहेगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग बुक देख सकते हैं। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के निर्धारित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 368 में। संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में दी गई है। रॉक संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो पहला रॉक संग्रहालय हाल ही में बनाया गया है, हैदराबाद में बनवाया गया है। अहिरी नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश ग्वालियर जिले से संबंधित। 2018 तक आवर्त सारणी में अब तक के कितने तत्व हैं? तो 118 तत्व हैं, 118 एलिमेंट्स। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 हाईकोर्ट है। ये सब आज के शिफ्ट में पूछी गई हैं और आप लोग कमेंट सेक्शन में भी बता दीजिएगा कि ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं कि नहीं पूछे गए हैं। ये सारे क्वेश्चन स्टूडेंट द्वारा दिए गए हैं तो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अनुच्छेद 219 किससे संबंधित है? तो जो भी ओथ होता है, ओथ और अफर्मेशन बाय जजेज ऑफ हाईकोर्ट, जो भी दिलाया जाती है शपथ उच्च न्यायालय द्वारा, जजेस द्वारा, वो 219 अनुच्छेद में दिया गया। लोकसभा के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले कौन से अध्यक्ष बने हैं? तो बलराम झाकर हैं जो सबसे लंबे समय तक लोकसभा के अध्यक्ष रहे। फाइड शतरंज चैंपियनशिप 2021 का विजेता कौन था? तो मैग्नस कार्लसन थे, ये वर्ल्ड के नंबर वन चेस प्लेयर भी हैं। यहाँ से क्वेश्चन बना है, आप लोग देखिए स्पोर्ट्स से क्वेश्चन बन रहे हैं, स्पोर्ट्स हो, हॉकी हो, कुछ भी हो, तो आपको स्पोर्ट्स वाला सेक्शन करके जाना। मोदी है तो मुमकिन है का नारा किसने दिया था? मोदी है तो मुमकिन है नारा दिया गया था यूएस सेक्रेटरी माइक पॉम्पियो द्वारा दिया गया। हु वाज टेम्परेरी चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सचिनंद सिन्हा थे। पॉलिटिक्स से क्वेश्चन बन रहे हैं। यूनेस्को, देखिए यूनेस्को का मैंने वीडियो कराया, उसमें सारे करा दिए हैं कौन सा स्थल कब जोड़ा गया है, तो आप लोग देख लीजिए कि यहाँ पर ताजमहल का पूछ लिया है। ताजमहल को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया है? 1983 में शामिल किया, 1983 में। इसका मैंने वीडियो करा दिया, आप लोग एक बार देख लेंगे तो लास्ट टाइम पर अगर क्वेश्चन पूछ लेगा तो आपका एक नंबर पक्का हो जाएगा। मेंढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? राणा
टिग्रिना है, टिग्रिना ये साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम भी पूछ रहा है, आप लोग साइंटिफिक नेम भी करके जाइएगा, छोटा सा टॉपिक है, आ गया तो आप लोग को बहुत ही अच्छा रहेगा, एक नंबर आपका पक्का हो जाएगा। एक एक नंबर इकट्ठा करेंगे, भूत भूत से घड़ा बनता है तभी सिलेक्शन मिलेगा। तो थोड़ा स्मार्ट ये एनालिसिस इसीलिए होता है कि आप लोग एनालाइज करें कहाँ से क्वेश्चंस बन रहा है और लास्ट टाइम पे वो आप लोग पढ़ सके, तो इसलिए होता है ये एनालिसिस। तो इसका फायदा उठाइए। पोर्ट से पूछ रहा है, वेस्टर्न ईस्टर्न सारे आप लोग पोर्ट पढ़ लीजिएगा। भारत का पश्चिमी बंदरगाह कौन सा है? कांडला पोर्ट है गुजरात का। भारत संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? 22 लैंग्वेज जो ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडिया की वो 8वीं अनुसूची में दिया गया है। सारी अनुसूची आप लोग पढ़िएगा। विच सांभर लेक कौन से कहाँ स्थित है? सांभर लेक कौन से राज्य में स्थित है? सांभर लेक राजस्थान में स्थित है। आल्हा किस राज्य से संबंधित है? आल्हा जो गीत है आप उसको फॉल्क म्यूजिक कह सकते हैं, वो उत्तर प्रदेश में ज्यादातर देखा जाता है आल्हा संगीत। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक घनत्व वाला देश मोनाको है और सबसे कम घनत्व वाला बता दे रहा हूँ मंगोलिया है, शायद आगे आगे एग्जाम में आप भी अगले सेक्शन में पूछ सकता है, तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा। रोपर साइट कहाँ स्थित है? तो रोपर आपका पंजाब में स्थित है, और भी सारे हैं जैसे दमियाबाद गुजरात में स्थित है, आपका बहुत सारे हैं कि वो याद रखने हैं कि कौन सा साइट हरप्पन साइट कहाँ स्थित है। किस राज्य में सबसे कम एसटी है? अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम, नागालैंड दो में सबसे कम है, ऑप्शन के हिसाब से आपको करना था, दोनों में जिसका भी कम रहा होगा आप लोग ऑप्शन के हिसाब से कर लीजिएगा। बच्चे बता रहे थे नागालैंड था तो आपको नागालैंड कर लेना था। सोमनाथ मंदिर में पार्वती मंदिर का उद्घाटन किसने किया था? तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन कराया था पार्वती मंदिर का, जो सोमनाथ मंदिर में। अकबरनामा के कितने भाग हैं? अकबरनामा के 3 भाग हैं, 3 वॉल्यूम्स में बुक आई है अकबरनामा। वाल्मीकि अंबेडकर योजना, वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना कब लॉन्च की गई थी? 2 दिसंबर को 2001 में लॉन्च करी गई थी प्राइम मिनिस्टर द्वारा। हु इज चीफ कमांडर ऑफ आर्मी? ये थल सेना वायु सेना जितने भी सेनाएं हैं उनका मुख्य कमांडर कौन होता है? तो हमारे राष्ट्रपति होते हैं। PC-10 को लॉक करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? देखिए शॉर्टकट की पूछ रहा है, मैं शॉर्टकट की का वीडियो आप लोग के लिए लेकर आऊंगा जिसमें सारे शॉर्टकट रहेंगे A to Z, ताकि वो 1 नंबर 2 नंबर जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपके क्लियर हो जाए। तो ये Windows+L दबा देंगे तो आपका PC-10 है जो वो लॉक हो जाएगा, जो Windows 10 है। एक्सेल शीट में अलाइनमेंट कैसे किया जाता है? तो Alt+H दबा देंगे तो आपका अलाइनमेंट एक्सेल शीट में हो जाएगा। हेलोवीन किस राज्य में मनाया जाता है? हेलोवीन एक आपका फेस्टिवल है जो डरावना, हेलोवीन एक डरावने का प्रतीक है, जो तरबूज होता है डरावना का प्रतीक है, वो आपका फॉरेन मनाया जाता है, बट यहाँ अपने इंडिया में वेस्ट बंगाल में हेलोवीन फेस्टिवल मनाया जाता है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने किस देश को हराया? भारत ने जर्मनी देश को हराया था 5-4 से, जिसमें कि उसने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया था जर्मनी को हरा करके। किस मंत्री ने युद्ध संचालन इतिहास नीति का अवर्गीकरण और प्रकाशन शुरू किया है? ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था आपके एग्जाम में, जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह द्वारा अवर्गीकरण किया गया है इतिहास का, युद्ध इतिहास का अवर्गीकरण डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह द्वारा किया गया है। आज के सेशन में इतने ही क्वेश्चंस मुझे मिल पाए थे, उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे क्वेश्चंस मिल गए होंगे। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी सारी एनालिसिस टाइम टू टाइम मिल सके। थैंक यू, उम्मीद करता हूँ आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। हेलो दोस्तों,